जी पंजाब से मिले हो गया साहब। कितनी दूर है? बताए नजीक है साहब। पोजीशन लो, शायद दुश्मन हमें धोखा दे रहा हो। लिंक अप कोड दो। ब्रेवो वन फॉर अल्फा वन, ब्रेवो वन फॉर अल्फा वन। लिंक ऑफ घुमती, लिंक ऑफ घुमती, ओवर। ब्रेवो दिस इज अल्फा, लिंक ऑफ घुमती के सहारे, सहारे ओवर। घुमती के सहारे बोल रहा है, घुमती के किनारे बोल रहा है? सहारे बोला साहब। ठीक है, अपनी पोजीशन दो और लिंक अप के लिए बुलाओ। ब्रेवो वन फॉर अल्फा वन, ग्रिड रेफरेंस 43126, ओवर। दिखाई दे रहे हैं साहब जी। अच्छी नहीं है साहब। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स दोनों की पेट्रोलिंग पार्टी कुकर थांग की ओर गई है और वापस नहीं आई है। हम लोग 20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं साहब। आप लोग अपने साथियों की तलाश में नहीं गए? नहीं साहब, हमें हुक्म था कि हम अपनी पोजीशन ना छोड़ें ताकि और जाने न जाएं। इस पोजीशन पर हमने बड़ी मुश्किल से कब्जा पाया है। ब्रिगेड नहीं चाहता है कि इस पोजीशन पर दुश्मन का कब्जा हो जाए और दुश्मन आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब गुरखा आ गया आप लोगों को रिलीव करने के लिए। हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। इस रास्ते से मत जाइए साहब। इसी रास्ते से हमारा पेट्रोलिंग पार्टी गया था जो अभी तक वापस नहीं आया। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। हेलो हेलो सिमरन, लिसन। ओह सॉरी आंटी, सिमरन को फोन देंगी? सिमरन, ओह जीसस, आई एम ग्लैड टू हियर योर वॉइस। ये है दीवाना आशिक। व्हाट लक डार्लिंग, इन बर्फीली चोटियों के नीचे एक एसटीडी बूथ मिल गया। एंड वंडर ऑफ वंडर्स, तुम भी घर पे मिल गई। क्यों, बाहर घूमती रहती है क्या? मंगनी तो हो गई, इसके बाद शादी होगी और शादी के बाद? बोलो ना, इस पे शर्माने की क्या बात है? बताओ ना बाबा। मैं बताता हूँ, इनकी शादी तोलोलिंग में होगी और हनीमून ये टाइगर हिल पे मनाएंगे। फैंटास्टिक जिमी, कीप इट अप। सर्दी तो बहुत है सिमरन, मगर तेरी याद की हरारत से मैं सर्दी का मुकाबला कर लेता हूं। वाह, याद इधर का नया ब्रांड है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अच्छी तरह तो नहीं, मगर फोन पे आपकी बात सुन सुन के थोड़ा जान चुका हूं। और मैं भी आपकी बकवास सुनकर आपकी बदतमीजी से वाकिफ हो गया हूं। जी जी। Hey guys, 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 relax, relax. Captain Sanjeev Jamwal, 13 Jack Riff. Captain Anuj Nair, 17 Jat. और ये Lieutenant Vikram Batra, मेरा साथी। हंसी मजाक इसके साथ ही पैदा हुआ था और शायद इसके साथ ही जाएगा। Don't mind him. बत्रा साहब, मजाक वहीं तक अच्छा होता है जहां तक किसी का दिल ना दुखे। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं माफी चाहता हूँ। Very sorry. That's like it. It's all right. And by the way, it's Vicky. Anuj. Anuj, कहाँ से हो? दिल्ली से। और आप? पालनपुर। Ah, beautiful place. Beautiful women. Really? Yeah, very. आओ आओ योगिंदर, तुम भी लाइन में लग जाओ। सब? हाँ भाई, नहीं नहीं, शादी जो हुई है बेचारी से बात तो कर ही लो। हाँ? जी सर। यार एक बात बताओ। जी। बातों से दिल भरता है क्या? साहब ये बात तो वही जाने जिसकी शादी हुई है। आपकी तो शादी भी नहीं हुई साहब, सॉरी साहब। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बलवान छुट्टी पर कब आए और इसके हाथों में शादी की हथकड़ी पहना दी जाए। तब तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं सर। आप माफ कीजिएगा सर,
मैं संजय कुमार जैन के राइफल्स आप दोनों की बातें सुनकर रह नहीं पाया। बलवान सर योगिंदर 18 ग्रेनेडियर्स राम 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 राम। शादी के बाद वाले पहले मिलन की ललक अपने आप में मीठी तड़प पिया मिलन को जाना पिया मिलन को जाना। शायर बन गया साहब शादी कर लीजिए अच्छे अच्छे गंवार भी शायर बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब। क्या कर रहे हो? रोटी है साहब। ओ योगिंदर ठीक ठाक? ठीक ठाक साहब। बाबू शाय। हाँ बोलो। ओ सुभाष चंद्र जी की जय हो। कैसे हो बलवान? की भालो भाची? भालो भालो भालो। क्या कर रहे हो? रोटी। ओए सचिन। काय रे बलवान। शिवाजी महाराज की जय हो। जय हो। चलो कर। ये तो है जोड़ार का। ये ना। अरे अरे ये क्या कर रहे नमूने? नमूने आधी रोटी बंगाल से ली आधी रोटी महाराष्ट्र से ली यूपी से कुछ तो लूंगा कि नहीं। बलवान अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया? सर लाया हूं सर भर के लाया हूं लेकिन खाने के लिए नहीं खिलाने के लिए। खिलाने के लिए? जी गोलियां लाया हूं सर पाकिस्तानियों को खिलाऊंगा। डोंट टेल मी मतलब अपना खाना नहीं लाए हो? इतने वजन की गोलियां उठा ली सर पाकिस्तानियों को गोली की भूख कुछ ज्यादा है आजकल। शाबाश वेल सेड। पार्टी शेलिंग हुई है या लगता है यही एक्शन हुआ है। संभाल के लैंड माइंस हो सकते हैं। संभाल के चलने लैंड माइंस है। राइफल अभी भी पकड़ा हुआ है साहब जी। जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? कम से कम सिपाही की बंदूक तो उसके साथ है। साहब इसको मरे हुए तो कई दिन हो गए हैं। ये 16 ग्रेनेडियर्स का है साहब। इसका मतलब बाकी की मिसिंग पेट्रोल भी आसपास होगी। सबसे पहले इन बॉडीज को नीचे लेके जाने का बंदोबस्त करो। सर मंचा जी साहब छीटो कार्रवाई करने जी साहब।
जाएगा तू थामा। उन लोगों को मैसेज दो कि हमें जल्दी रीइंफोर्समेंट चाहिए, तब तक हम आपकी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। कोई शक? जैसे चांद बादल में छुपेगा आगे बढ़ना, उसके निकलते ही वहीं रुक जाना। दुश्मन को हमारा मुंह में खबर नहीं होना चाहिए। जी साहब।